Today, we will discuss about forest policies. So we can say a forest policy consists of the laws and regulations that guide the protection and management of our nation's forest. And the second question is, why do we need to create a policy? To maintain healthy forest ecosystem, which are essential for working toward a sustainable future and improving our quality of life. Today we will discuss about three policies. The first one is National Forest Policy 1894. The second one is National Forest Policy 1952, which is the first policy after independence. And third one is National Forest Policy 1988. तो पहली पॉलिसी है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1894. इसमें चार ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं. तो पहला ऑब्जेक्टिव है इम्पॉर्टेंट टू कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट. इसका मतलब है कि इस पॉलिसी में जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट जितना भी हमें मिल रहा है, टिम्बर हो या नॉन टिम्बर हो, यानी कि नॉन टिम्बर से मतलब है NTFPs, यानी कि टिम्बर में हम सिर्फ वुड की बात करेंगे और NTFPs में नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की. तो इस पॉलिसी का जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो ये बताता है कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट और टिम्बर, इन दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेट किया गया था ताकि हम अपना कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कर सकें. एंड द सेकेंड वन इज टिम्बर हार्वेस्टिंग इज़ द प्राइम मोटिव. ऑब्वियसली जब रिवेन्यू हमें बढ़ाना है, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा करना है, तो टिम्बर हार्वेस्टिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया गया. और टिम्बर हार्वेस्टिंग पे इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यूबल टिम्बर की बात कर रहे हैं. और वैल्यूबल टिम्बर का मतलब है शोरिया रोबस्टा, टीक, सिड्रस देवदारा, मतलब जो भी टिम्बर वैल्यूबल है, जो हमारे रिवेन्यू को बढ़ाएगा, जो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन को इंक्रीज करेगा, उस टिम्बर की बात की गई है. एंड द थर्ड वन इज फॉरेस्ट आर ट्रीटेड एज अ सोर्स ऑफ रिवेन्यू टू द स्टेट. तो जो भी फॉरेस्ट थे उसमें से ज़्यादा प्रोडक्ट कैसे मिल सके, उन फॉरेस्ट को टारगेट किया गया था ताकि हमारी स्टेट की रिवेन्यू बढ़ सके. और फोर्थ वन में उन्होंने ये बताया कन्वर्ट द ओपन फॉरेस्ट इंटू एग्रीकल्चर लैंड फॉर इन्हेंसिंग द रिवेन्यू अर्निंग ऑफ द स्टेट. तो इन्होंने क्या किया, जो ओपन फॉरेस्ट थे उन्हें एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ओपन लैंड से इन्हें रिवेन्यू मिल रहा था. बट उसी रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए जब ओपन फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि अब हमें क्रॉप से भी रिवेन्यू मिलने लगा, तो इस वजह से इन्होंने ओपन फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिवेन्यू मिल सके. तो इन चारों ऑब्जेक्टिव का एक ही मतलब है कि इस पॉलिसी का जो मेन एम था वो था कि स्टेट की रिवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाए. अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की. तो इसका क्लासिफिकेशन फोर क्लासेस में डिवाइड किया गया है. पहली क्लास है जिसमें बताया कि टू प्रोटेक्ट द कल्टीवेटेड प्लेन्स फॉर द लैंडस्लाइड्स. तो जितने भी लैंडस्लाइड्स होते हैं या इरोजन्स होते हैं, सॉइल इरोजन्स होते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट कल्टिवेट करने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री कल्टिवेट करने होंगे. और दूसरा, इस कंजर्वेशन से क्या होगा, हमारे वैल्यूबल ट्रीज़ बढ़ेंगे, और वैल्यूबल ट्रीज़ बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा रिवेन्यू भी बढ़ेगा. तो यही बात की गई है फर्स्ट क्लास में. एंड इन सेकेंड क्लास दिस फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ वैल्यूबल टिम्बर. तो ऑब्वियसली हम रिवेन्यू की बात कर रहे हैं तो हम वैल्यूबल टिम्बर की ही बात करेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था. और वैल्यूबल टिम्बर में इन्होंने तीन स्पीशीज़ पे बहुत फोकस किया था, शोरिया रोबस्टा, सिड्रस देवदारा एंड टेक्टोना ग्रैंडिस. एंड ड्यू टू कमर्शियल इंटरेस्ट नेचुरल रीजनरेशन ऑफ साल एंड देवदार. तो साल और देवदार का जो नेचुरल रीजनरेशन था वो बढ़ाया गया, और आर्टिफिशियल रीजनरेशन टेक्टोना ग्रैंडिस का वो भी बढ़ाया गया. और टेक्टोना ग्रैंडिस का आर्टिफिशियल रीजनरेशन क्यों किया, क्योंकि ताकि जो टेक्टोना ग्रैंडिस है वो साइंटिफिकली मैनेज हो सके, और साइंटिफिकली मैनेज होगा तो उसका जो टिम्बर वैल्यू है वो बढ़ेगी, और टिम्बर वैल्यू बढ़ेगी तो रिवेन्यू भी इंक्रीज होगा. थर्ड क्लास मेंट फॉर माइनर फॉरेस्ट. इस फॉरेस्ट में उन टिम्बर पे फोकस किया गया था जो लो क्वालिटी के थे. लो क्वालिटी के टिम्बर थे तो इनको यूज़ किया गया फ्यूल वुड और फॉडर के लिए, ताकि जो विलेजर्स हैं
उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो सकें। एंड इन फोर्थ क्लास यहाँ पे ग्रेजिंग को इम्पोर्टेंस दिया गया था ताकि जो लोकल पीपल्स हैं उसको इसका बेनिफिट मिल सके विथ सम रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस इसलिए दिए गए थे क्योंकि कंटिन्यूस ग्रेजिंग एक ही जगह पर होती रही तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को डैमेज करता है और दूसरा वहाँ पे ग्रास ग्रो होने में काफ़ी टाइम लगा सकती है। इस पॉलिसी के कुछ ड्रॉबैक्स थे जिस वजह से यह पॉलिसी फेल हो गई। आइए देखते हैं इसके क्या ड्रॉबैक्स थे। तो पहला है शिफ्टिंग कल्टीवेशन इशू वाज नॉट एड्रेस्ड। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का इशू था वो यहाँ पे क्लियर नहीं था। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो कल्टीवेशन होता है जिसमें हम एक पीस ऑफ लैंड में कल्टीवेशन करते हैं और कल्टीवेशन करने के बाद जब पूरी जो क्रॉप होती है वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है, उसे हार्वेस्ट किया जाता है, उसके बाद उस लैंड को जला दिया जाता है। जब उस लैंड को पूरी तरह से जला दिया जाता है तो उसकी जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, उसकी फर्टिलिटी डैमेज हो जाती है और उस एरिया पे फिर क्रॉप होने में काफ़ी टाइम लगा देता है। तो उस फर्टिलिटी के लॉस होने की वजह से उस एरिया में जो विलेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि फिर दूसरी जगह एक लैंड होती है वहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो इसे शिफ्टिंग नाम इसलिए दिया गया क्योंकि एक जगह पे कल्टीवेशन करते हैं फिर शिफ्ट होते हैं दूसरी जगह पे कल्टीवेशन करते हैं और जब तक पहली जगह पे फिर से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है, फिर से एक नेचुरल रीजनरेशन होता है, तब तक जो दूसरा एरिया जहाँ पे कल्टीवेशन चल रहा था वहाँ पे वो लोग उस लैंड को जला के फिर से फर्स्ट लैंड पे अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो एक प्रोसेस है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, इस वजह से सॉइल की फर्टिलिटी काफ़ी ख़त्म हो जाती है और फिर से सॉइल को अपने पहले जैसे फॉर्म में आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये एक इशू था जिस बारे में इस पॉलिसी में डिस्कस नहीं किया गया। सेकंड है नो गाइडलाइन फॉर आर्टिफिशियल रीजनरेशन। इन्होंने ये तो बताया था कि टेक्टोना ग्रैंडिस का आर्टिफिशियल रीजनरेशन करेंगे लेकिन आर्टिफिशियल रीजनरेशन करने के लिए जो गाइडलाइंस थी वो नहीं बनाई गई थी। एंड द थर्ड वन इज़ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वॉज नॉट मैंशन क्लियरली। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए जैसे कि कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाने चाहिए, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, तो उस चीज़ का यहाँ पे मेंशन नहीं था। एंड द फोर्थ वन इज़ जियोग्राफिकल एरिया वाज नॉट अलॉटेड टू फॉरेस्ट। तो इन ड्रॉबैक्स के वजह से ये पॉलिसी फेल हो गई। द नेक्स्ट इज़ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। दिस इज़ द फर्स्ट पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस। इन दिस पॉलिसी फाइव पैरामाउंट नीड्स ऑफ द कंट्री आर गिवन बिलो। द फर्स्ट इज़ लैंड विच प्रोड्यूस मोर एंड डिटेरियोरेट लीस्ट। द सेकेंड इज़ नीड फॉर चेकिंग डीन्यूडेशन इन माउंटेनियस रीजन। तो डीन्यूडेशन क्या होता है? इसका मतलब है जब पानी की वजह से या आइस के या वेव्स या विंड की वजह से जब लैंडस्केप या एक एलिवेशन पूरी तरह चेंज हो जाता है उसे डीन्यूडेशन कहते हैं। द सेकेंड इज़ द इरोजन प्रोग्रेसिंग स्पेस अलॉन्ग रिवर साइड। थर्ड इज द इन्वेजन ऑफ सी सैंड्स एंड द शिफ्टिंग ऑफ सैंड ड्यून्स। नेक्स्ट इज द नीड फॉर एस्टेब्लिशिंग ट्री लैंड्स, सप्लाई ऑफ टिम्बर फॉर डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड इंडस्ट्री। एंड द लास्ट वन इज द नीड फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द मैक्सिमम एनुअल रिवेन्यू। एंड फॉरेस्ट इज क्लासिफाइड इन टू फोर टाइप्स। द फर्स्ट वन इज विलेज फॉरेस्ट। सो द विलेज फॉरेस्ट आर दोज फॉरेस्ट विच हैव टू बी मेंटेन टू प्रोवाइड फायरवुड, टू रिलीज काउ डंग फॉर मेन्योर एंड टू यील्ड स्मॉल टिम्बर फॉर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। द सेकेंड वन इज नेशनल फॉरेस्ट। नेशनल फॉरेस्ट आर दोज विच हैव टू बी मेंटेन एंड मैनेज टू मीट द नीड ऑफ डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड अदर जनरल पर्पसेस ऑफ पब्लिक इम्पॉर्टेंस। एंड द थर्ड वन इज प्रोटेक्शन फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट विच मस्ट बी प्रिजर्व और क्रिएटेड फॉर फिजिकल एंड क्लाइमेटिक कंसिडरेशन। एंड द लास्ट वन इज
ट्री लैंड. द ट्री लैंड आर दोज एरियाज विच दो आउटसाइड द स्कोप ऑफ द ऑर्डिनरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट आर एसेंशियल फॉर द एमेल्यूरेशन ऑफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री. द नेक्स्ट इज ग्रेजिंग. इन दिस पॉलिसी द फॉर्मुलेशन ऑफ द ग्रेजिंग शुड बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल. द फर्स्ट वन इज कंटिन्यूस ग्रेजिंग ऑन द सेम एरियाज बाय द लार्ज हर्ड्स इज डिस्ट्रक्टिव, सेम एज द फर्स्ट पॉलिसी. एंड द सेकेंड वन इज ग्रेजिंग इंसिडेंट्स शुड बी केप्ट एट अ मिनिमम इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. क्योंकि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो इसलिए हमें उन फॉरेस्ट में ग्रेजिंग को कम करनी है. एंड द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज फॉर वाइल्ड लाइफ. द फर्स्ट वन इज नीड फॉर अफोर्डिंग प्रोटेक्शन टू द एनिमल किंगडम. द सेकेंड वन इज पर्टिकुलरली टू रेयर स्पीसीज सच एज द लायन एंड द ग्रेट वन हॉर्न राइनोसेरस. एंड द लास्ट वन इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन. इन दिस पॉसिबिलिटीज ऑफ रेगुलेटिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन बाय कंबाइनिंग इट विथ फॉरेस्ट रीजनरेशन टू द बेनिफिट ऑफ बोथ शुड बी फुली एक्सप्लोर्ड. तो ये पॉलिसी सक्सेसफुल रही थी क्योंकि इस पॉलिसी में उन सारे लैकिंग पॉइंट्स पे काम हुआ था जिस वजह से पहली पॉलिसी फेल हो गई. तो इन कारणों के वजह से ये पॉलिसी सक्सेसफुल रही. एंड द लास्ट पॉलिसी इज फॉरेस्ट पॉलिसी 1988. द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पॉलिसीज आर मेंटेनेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी एंड रीस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन. सेकेंड इज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज एंड जेनेटिक रिसोर्सेज. द थर्ड वन इज इंक्रीजिंग सब्सटेंशियली फॉरेस्ट और ट्री कवर, दैट इज 33% ऑफ लैंड मास एंड 66% इन हिल्स. फोर्थ वन इज इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट टू सस्टेनेबली मीट फर्स्ट लोकल एंड देन नेशनल नीड्स. फिफ्थ वन इज क्रिएटिंग मैसिव पीपल मूवमेंट टू इंक्रीज एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर. एंड द लास्ट वन इज deriving economic benefit must be subordinated to these principal aims. Next is essential of forest management. The first one is existing forest and forest land should be fully protected. Forest and vegetal cover should be increased rapidly on hilly slopes in catchment area of river and lakes. The second one is for the conservation of total biological diversity, the network of national parks, sanctuaries, biosphere reserve and other protected area should be strengthened and extended adequately. The third one is provision of sufficient fodder, fuel and pasture, especially in areas adjoining forest, is necessary in order to prevent depletion of forest beyond the sustainable limits. And the last one is minor produce provides sustenance to tribal population and to other communities residing in and around forest. There are some strategy for this policy. The first one is the national goal should be to have a minimum of 1/3 of the total land area of the country under forest or tree cover. In the hills and in mountainous region, the aim should be to maintain 2/3 of the area under such cover in order to prevent soil erosion and land degradation. And in second one, land laws should be so modified wherever necessary so as to facilitate and motivate individuals to undertake free farming and grow fodder plant, grasses, legumes on their own land. And the third one is a massive need-based and time-bound program of afforestation and tree planting with particular emphasis on fuel wood and fodder development to all degraded and denuded lands in the country. And the last one is, it is necessary to encourage the planting of tree alongside of road, railway lines, rivers and stream and canals. Green belt should be raised in urban industrial areas as well as in arid tract. Such a program will help to check erosion and desertification as well as improve the microclimate. Here are some rights and concessions given for the local people. The first one is
bonafide use of the communities living within and around forest areas, especially the tribal communities. तो इस पॉइंट में कहा गया है कि फॉरेस्ट पे, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट पे सबसे पहला हक होगा जो विलेजर्स फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, जो फॉरेस्ट को मैनेज भी कर रहे हैं और जिनका फॉरेस्ट से ही जिनकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, तो उन विलेजर्स का उस फॉरेस्ट पे सबसे पहला हक बनेगा. एंड द सेकेंड वन इज़ स्टॉल फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी इनक्रेज. तो स्टॉल फीडिंग को बढ़ावा दिया गया था. स्टॉल फीडिंग का मतलब होता है कि जानवरों को बांध के खाना खिलाना. अगर हम जानवरों को जैसे घरों में होता है कि एक कमरा होता है वहीं पे उन्हें बांध के खाना खिलाया जाता है, तो इस तरीके से उन्हें एक फिक्स अमाउंट में जो घास है वो प्रोवाइड की जाएगी. और अगर हम उन्हें जंगलों में छोड़ देते हैं तो वो हम जैसे विलेजर्स करते हैं कि सुबह छोड़ दिया और फिर शाम को वो जो जानवर हैं वो घर आते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जंगलों में ग्रेजिंग ही करते हैं. तो ग्रेजिंग इस तरह से ग्रेजिंग क्या होगी, एक डिस्ट्रक्टिव ग्रेजिंग बन जाएगी. तो डिस्ट्रक्टिव ग्रेजिंग क्यों अच्छी नहीं है, ये जैसे कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. या तो क्या होगा, जो घास है वो इतनी हद तक ग्रेज हो चुकी होगी कि वो बहुत टाइम लगाएगी ग्रो होने में. और दूसरी चीज़, ग्रास कभी कभी क्या होता है, जो घास है वो जड़ से ही उखड़ जाती है, और जड़ से जब उखड़ जाती है तो उसके साथ जो सॉइल की टॉप लेयर है वो भी बाहर आ जाती है. और जब सॉइल की फर्टिलिटी ही डिक्रीज़ हो जाएगी तो वहाँ पर फर्टिलिटी डेवलप होने में भी टाइम लगेगा और दूसरा ग्रास को फिर से ग्रो होने में टाइम लगेगा. इसीलिए ये यहाँ पे एक राइट बनाया गया कि जो जानवर हैं उन्हें बजाय कि जंगलों में छोड़ा जाए, स्टॉल फीडिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए. एंड द थर्ड वन इज़ सिमिलर कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू शेड्यूल कास्ट एंड अदर पुअर पीपल लिविंग नियर फॉरेस्ट. तो कुछ कुछ जगह पर यह भी देखा गया, एक ये इशू था कि विलेजर्स जो थे, जो कुछ गांव में ऐसा होता था कि जो शेड्यूल कास्ट हैं या और जो पुअर पीपल्स हैं उनको जंगलों में जाने के लिए मना किया जाता था, और जो अपर कास्ट के लोग थे वो ज़्यादा हक अपना उस जंगल पे समझते थे. तो इस इशू को ध्यान में रखते हुए ये भी एक पॉइंट इसमें जोड़ा गया कि शेड्यूल कास्ट का और पुअर पीपल का भी उतना ही हक होगा जितना अपर कास्ट के लोगों का होगा. एंड द लास्ट वन इज़ फ्यूल वुड नीड टू द सब्स्टिट्यूट विद अल्टरनेट सोर्सेज लाइक बायोगैस, एलपीजी एंड सोलर एनर्जी. तो जैसे कि हम जानते हैं कि एक जो वुड है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, तो अगर हम किसी नॉन रिन्यूएबल सोर्स को लगातार यूज़ करते रहेंगे तो एक टाइम पे तो वो ख़त्म ही हो जाएगी. तो सिमिलरली अगर फॉरेस्ट पे इतना ज़्यादा प्रेशर आएगा, अगर विलेजर्स कंटिन्यूसली फॉरेस्ट से फ्यूल वुड लेते रहते हैं और उसी को यूज़ करते हैं, तो एक टाइम पे वो जंगल ख़त्म हो जाएंगे. तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये पॉइंट बोला कि हम ये कर सकते हैं कि फ्यूल वुड का भी एक यूज़ हो, एक पर्याप्त मात्रा में यूज़ हो, लेकिन उसकी जगह उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना बहुत ज़रूरी था. तो उसके लिए उन्होंने तीन चीज़ों का यूज़ करने के लिए बोला कि या तो हम बायोगैस का भी यूज़ कर सकते हैं, एलपीजी का भी यूज़ कर सकते हैं, सोलर एनर्जी का भी. तो क्या होगा, जैसे कि हम जो गोबर गैस है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी जो वुड पे डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए, और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का भी यूज़ कर सकते हैं, एंड सोलर एनर्जी इज़ द बेस्ट सोर्स. तो हम इन चीज़ों को बढ़ावा देंगे तो इससे क्या होगा कि फ्यूल वुड पे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम होगी, और फॉरेस्ट पे जो प्रेशर पड़ रहा है, फॉरेस्ट पे जो दबाव बन रहा है वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगा. तो इन्हीं चीज़ों के बारे में इस 1988 की पॉलिसी में ये मेंशन किया गया है.